राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नहाने के बाद के कुछ नियम। तो चलिए फ्रेंड्स, नहाने के बाद भूलकर भी न करें ये 8 गलतियाँ, वरना रातों रात हो जाएंगे कंगाल। दोस्तों, नहाने के बाद कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हम अक्सर गौर नहीं करते हैं। वास्तु विज्ञान और शास्त्रों के अनुसार ये 7 गलतियां हैं जिसके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और धन वैभव की हानि होती है। इसलिए स्नान के बाद इन बातों पर गौर जरूर करना चाहिए। अगर आप भी नहाने के बाद ऐसी गलतियां करते हैं तो यह आपके घर परिवार के लिए प्रतिकूल फलदायी हो सकता है। वास्तु विज्ञान और शास्त्र बताते हैं ये ऐसी गलतियां हैं जिनकी हम अक्सर अनदेखी कर जाते हैं और यह स्वास्थ्य और धन के लिए नुकसानदायक होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नहाने के बाद ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें हम कर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं बाथरूम में स्नान के बाद किन किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्री माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, बाथरूम को ऐसे छोड़ने से लगता है वास्तु दोष। वास्तु में केवल घर की दिशाओं का ही नहीं बल्कि हमारी रोजाना की दिनचर्या से जुड़ी बातों का भी खास महत्वपूर्ण बताया गया है। अक्सर देखने में आता है कि लोग नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही गंदा छोड़ आते हैं। वास्तु में इस आदत को बहुत ही गंदा माना गया है। यही नहीं, नहाने के हम में से कुछ लोग और भी गलतियां करते हैं जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत ही दोषपूर्ण मानी गई है। आइए हम आपको बताते हैं ऐसी ही 6 और गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, बाथरूम में गंदा पानी न छोड़ें। कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। आपको यह गलती नहीं करनी है क्योंकि यह आपको कंगाल बना सकती है। बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देना वास्तु में जहां गलत माना गया, वहीं ज्योतिष में बताया गया है आपकी इस आदत की वजह से राहु और केतु आपसे नाराज हो जाते हैं। राहु और केतु उन लोगों पर अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं जो सफाई से नहीं रहते हैं, और तो और ऐसे लोग शनि के गुस्से को भी झेलने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देने से वरुण देवता भी नाराज होते हैं। आपकी इस आदत की वजह से घर में धन हानि होना शुरू हो जाती है। नंबर 3, बाथरूम में टूटे बाल छोड़ देना। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वे नहाने के बाद टूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। अगर आपके अंदर भी यह आदत है तो इसे सुधार लीजिए। आपका ऐसा करने से शनिदेव और मंगल नाराज होते हैं और आपको इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है, आपके कामों में बाधाएं आती हैं और कैरियर में भी आपको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, बाल्टी को सदैव ऐसे रखें। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वह नहाने के बाद या तो बाल्टी को बचा हुआ पानी ऐसे ही छोड़ आते हैं या फिर बाल्टी को खाली छोड़कर चले आते हैं। इस गलती को तुरंत ही सुधारने की जरूरत है। बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी को भरकर आना चाहिए। अगर बाल्टी को खाली रखना है तो उसे उल्टा करके रख आइए। भूलकर भी खाली बाल्टी को सीधा न रखकर आए, वरना आपके घर में कंगाली आते देर नहीं लगेगी। इसके अलावा आप स्नान करते वक्त अपने पांव में चप्पल बिल्कुल ना पहने। अगर आपने चप्पल पहना है तो नहाने के बाद पैर पर या फिर से पानी ना डालें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। आपने अक्सर सुना होगा नहाते वक्त लोग गाना गुनगुनाते हैं। यह अच्छी बात है। शास्त्रों में बताया गया है नहाते वक्त हमें कुछ ना कुछ गुनगुनाना चाहिए। शांत बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। नहाने के बाद गर्ल्स जैसे कि माताएं बहनें तुरंत सिंदूर ना लगाएं। इसमें माना जाता है कि पति की उम्र घटती है क्योंकि जब हम नहाते हैं तो खाली पेट और नहाने के बाद कुछ खाया हुआ नहीं होता है। अगर हमें सिंदूर लगाना है तो हमें अपने मुंह में कुछ अन्य लेकर ही सिंदूर लगाना चाहिए। यह छोटे बच्चे
होते हैं उन्हें हमें गोद में लेना चाहिए और कई बार हमें वॉशरूम्स में नेल कटर रखते हैं और नहाने के तुरंत बाद नाखून काटते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अपशगुन माना जाता है और धन हानि के योग बनते हैं। नंबर 5, नहाने के बाद कपड़े धोना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे नहाने के बाद अपने कपड़ों को धोने की भूल करते हैं। वास्तव में इसे एक बड़ी गलती माना गया है। कहा जाता है कि नहाने से पहले कपड़ों को धोकर सुखा देना चाहिए। कई बार लोग कपड़े पहनकर नहाते हैं और फिर उन्हें धोने के लिए डालते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें क्योंकि वास्तु के मुताबिक ये गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं, नहाने के बाद बाथरूम में गीले कपड़े छोड़ना भी अच्छा नहीं होता है। नंबर 6, गीले कपड़े न छोड़ें। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि कपड़े पहनकर स्नान करते हैं और नहाने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में यूं ही छोड़कर चले आते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को एकदम छोड़ दें। आपके ऐसा करने से सूर्य देव आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर आपके जीवन में सम्मान और प्रताप की कमी होगी। इसके अलावा वास्तु की दृष्टि से भी गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना सही नहीं माना जाता है। नंबर 7, बाथरूम को खुला ना छोड़े। बाथरूम को खुला छोड़ने से बीमारियों का कारण बन सकता है और वास्तु शास्त्र में भी इसे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। इससे घर के ऊर्जा स्तर प्रभावित होता है और धन की हानि का कारण बन सकता है। बाथरूम गंदगी, नमी और भाप का स्थान होता है और इसलिए संक्रमण के लिए आसान बन सकता है। खुले बाथरूम में संक्रमण की क्षमता वाले कीटाणु का घर में प्रवेश हो सकता है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिसके आपके परिवार के स्वास्थ्य, मनोबल और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें। राम राम जी दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स करें और कमेंट्स में एक थम्स अप जरूर करके जाएं और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।